नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं मल्टी कलर का एक खूबसूरत सा डिजाइन लाई हूँ, जिसे आप बच्चों के स्वेटर में, लेडीज कार्डिगन में, जैकेट में, कोटी में, कैप में, हैट में, सॉक्स में, शूज में, चाहे किसी भी मनचाहे प्रोजेक्ट में बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए 4 के मल्टीपल फंदे चाहिए और 1 फंदा एक्स्ट्रा। डिजाइन बताने से पहले आपसे अनुरोध है कि यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें। यहाँ पे आपको प्रतिदिन एक नया डिजाइन देखने को मिलेगा और ढेर सारे डिजाइन देखने के लिए आप मेरे पुराने वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम डिजाइन बनाते हैं। मैंने सिलाई में 13 फंदे डाले हैं। बॉर्डर बनाने के बाद ये डिजाइन का पहला लाइन है और सामने से, तो दूसरे कलर का ऊन अटैच कर लेंगे, पहला फंदा स्लिप कर लेंगे और फिर 3 फंदा सीधा बनेंगे, 1 2 3। तो इन्हीं 4 फंदों को हमें पूरी लाइन में दोहराना है। 1 फंदा स्लिप करना है और 3 फंदा सीधा, 1 2 3। एक फंदा स्लिप करना है, 3 फंदा सीधा और लास्ट फंदा इसे हम स्लिप कर लेंगे। डिजाइन का दूसरा लाइन और रॉन्ग साइड, तो स्लिप किया हुआ फंदा स्लिप कर लेंगे और बुना हुआ फंदा उल्टा बुन लेंगे। स्लिप किया हुआ फंदा स्लिप कर लेंगे, बुना हुआ फंदा उल्टा बुन लेंगे। लास्ट फंदा इसे हम स्लिप कर लेंगे। अब डिजाइन का तीसरा लाइन और सामने से, तो इसी रंग के ऊन से सभी फंदे उल्टा बुन लेंगे। स्लिप किया हुआ फंदा और बुना हुआ फंदा, सारे फंदे हम तीसरी लाइन में सेकेंडरी कलर से उल्टा बुन लेंगे। तीसरी लाइन में दूसरे रंग के ऊन से सभी फंदे उल्टे, तो हमने तीसरी लाइन में सभी फंदे उल्टे बुन लिए। अब ये डिजाइन का चौथा लाइन है और रॉन्ग साइड, तो पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे, फिर 3 फंदा उल्टा, 1 2 3, और चौथा फंदा स्लिप कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये वही फंदा है जिसे हम अभी तक स्लिप करते आ रहे हैं। 3 फंदा उल्टा बुन लेंगे। चौथा फंदा स्लिप कर लेंगे, ये स्लिप किया हुआ फंदा है, इसे वापस स्लिप कर लेंगे, फिर 3 फंदा उल्टा। तो पहली लाइन में हमने पहला फंदा स्लिप किया, 3 फंदा सीधा, चौथा फंदा स्लिप किया, 3 फंदा सीधा और चौथा फंदा स्लिप किया, इस तरह करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट किया। और दूसरी लाइन में स्लिप किया हुआ फंदा स्लिप किया और सभी फंदे उल्टा बुन लिया। तीसरी लाइन में भी सभी फंदे उल्टे, चौथी लाइन में भी यहाँ पे स्लिप किए हुए फंदे को वापस स्लिप किया गया और बाकी फंदों को उल्टा बुन लिया। यानी 4 लाइन में हमने 3 लाइन उल्टा बुना और 1 लाइन बस पहला लाइन हमने सीधा बुना। डिजाइन का 5वां लाइन और सामने से, अब पहले रंग के ऊन से। अब हम इन्हीं 4 लाइनों को दोहराएंगे लेकिन थोड़ी सी तब्दीली के साथ। अब पहले हम 2 फंदे को सीधा बुन लेंगे। तो 2 फंदा सीधा बुनने के बाद अब तीसरे फंदे को स्लिप करेंगे। अब देखिए, ये 3 फंदा जो है बुने हुए 3 फंदों में से, ये स्लिप किया हुआ फंदा जो है वो बुने हुए 3 फंदों में से दूसरा फंदा यानी बीच का फंदा है। फिर 3 फंदा सीधा बुनेंगे, 1 2 3। अब देखिए, ये स्लिप किया हुआ फंदा है तो ये फंदा, उसके दोनों साइड वाले फंदे, ये 3 फंदे हम सीधा बुनेंगे। तो 2 फंदे को छोड़कर इन 4 फंदों को हम पूरी लाइन में दोहराएंगे। 1 फंदा स्लिप करेंगे और फिर 3 फंदा सीधा,
लास्ट में तीन फंदे बचेंगे तो तीसरा फंदा स्लिप कर लेंगे और सेकंड लास्ट और लास्ट को हम सीधा बुन लेंगे। रॉन्ग साइड से बुने हुए फंदे उल्टा बुनेंगे और स्लिप किया हुआ फंदा स्लिप कर लेंगे। बुने हुए सारे फंदे हम उल्टा बुनेंगे और स्लिप किया हुआ फंदा स्लिप कर लेंगे। स्लिप किया हुआ फंदा स्लिप कर लेंगे और बुना हुआ फंदा उल्टा। सातवीं लाइन और सामने से, अब सातवीं लाइन हमारी तीसरी लाइन की तरह होगी, यानी सभी फंदे हम प्राइमरी कलर से सभी फंदे उल्टा बुन लेंगे। बुने हुए फंदे और स्लिप किया हुआ फंदा सभी फंदे हम उल्टा बुन लेंगे। तो सातवीं लाइन में हमने सभी फंदे उल्टा बुन दिए। अब ये हमारा डिजाइन का आठवां लाइन है और रॉन्ग साइड, तो दो फंदा हम उल्टा बुनेंगे। अब देखिए ये तीसरा फंदा हमारा ये दिखाई दे रहा है बुना हुआ, इसे हम वापस स्लिप कर लेंगे। दूसरे रंग का ऊन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, देखिए ये स्लिप किया हुआ फंदा दिखाई दे रहा है, इसे हम वापस स्लिप कर लेंगे। इसे हमने तीसरी लाइन में बुना था तो चौथी लाइन में इसे हम वापस स्लिप कर लेंगे। फिर तीन फंदे उल्टा, एक दो तीन। फिर देखिए चौथा फंदा हमारा स्लिप किया हुआ फंदा है तो इसे हम वापस स्लिप कर लेंगे। फिर तीन फंदा उल्टा स्लिप कर लेंगे। लास्ट में दो फंदा बचेगा, इसे हम उल्टा बन लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इन्हीं आठों लाइनों को हमें ऊपर ऊपर दोहराते जाना है। मैंने इसमें तीन कलर इस्तेमाल किया है, आप चाहे तो दो कलर में और चाहे तो तीन या मल्टी कलर में इसे बना सकते हैं। तो आशा है आपको डिज़ाइन अच्छा लगा होगा। देखिए सामने से ये ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे से ऐसा। तो फ्रेंड्स, डिज़ाइन आपके सामने है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।